हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि फरमाना ज्योति और परवीन का जो केस है वो पिछले 5-6 महीने से चला हुआ है। ज्योति जो है अपने वो 1-1.5 महीने के बेटे को छोड़कर चली गई थी, आज से लगभग गए हुए 6 महीने के आसपास हो गए हैं। उसने उसके बाद कभी अपने बच्चे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की, कभी अपने बच्चों से मिलने की कोशिश नहीं की कि अगर कभी काउंसिलिंग पर आ भी गई, अगर कभी काउंसलिंग पर आई भी है तो उसने कभी काउंसलिंग पर आते टाइम अपने बच्चों की तरफ कभी मुड़ कर भी नहीं देखा। मैं स्टार्टिंग से आज तक कहती आई हूँ हमेशा कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक नहीं है। परवीन भाई हमेशा बोलते रहे कि वो किसी दबाव में है, किसी दबाव में है, किसी दबाव के कारण से नहीं आ रही है। अरे भाई, ऐसा भी कौन सा दबाव है कि वो अपने 2 महीने के 1 महीने के बच्चे को याद नहीं कर रही है? ऐसा कौन सा दबाव है उसके ऊपर, ऐसा कौन सा प्रेशर है कि चलो पति से झगड़ा है, पति से लड़ाई है, पति से दुश्मनी है, लेकिन जो बच्चे उसने पेड़ से पैदा किए हैं, पेड़ से जन्म दिया है, उनसे क्या दुश्मनी है? उनके ऊपर कौन सा दबाव है? और अगर वो इतना दबाव में रहती है, इतना दबाव भी मानती है अपने घर वालों का, तो जब उसने अपने घर वालों को धोखा दिया था परवीन के लिए, ये वही परवीन है जिसके लिए उसने अपने घर वालों को धोखा दिया था। कोर्ट मैरिज की थी उसने परवीन से, लव मैरिज की थी। लोग कहते हैं कि 14 साल की थी जब बका ली थी। तो सबसे पहले एक बार बता दूं कि 14 साल की लड़की की कोई कोर्ट मैरिज नहीं करा सकता। जिस टाइम पे उसकी शादी हुई थी वो 18 साल की थी और आज के टाइम पे वो 24 साल की है, ठीक है? 24 साल की बच्ची कोई ना समझ नहीं होती है। जो 2 बच्चों की माँ हो गई हो, मुझे लगता है कि वो लड़की ना समझ है, या वो बेवकूफ़ है, या उसका दिमाग काम नहीं करता है। उसका पूरा दिमाग काम करता है, वो पूरी सब कुछ पता है उसे, ठीक है? लोग कहते हैं ना कि परवीन ने लालच में शादी की है ज्योति से। शादी परवीन ने लालच में नहीं की ज्योति से, शादी ज्योति ने की थी परवीन से लालच में, ठीक है? जब तक उसको लगता था कि परवीन के पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, पता नहीं क्या क्या, वो बताती थी कि उसने मुझे सपने दिखाए, मैं तुम्हें हाथ घुमाऊंगा, वहां घुमाऊंगा, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। लेकिन जब उसे ये मालूम चला कि परवीन के पास ये कुछ भी नहीं है, तो वो परवीन को छोड़कर भाग गई। उसके घर वालों ने बोला कि हम तेरी किसी अमीर घर में अच्छी जगह शादी करा देंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर अमीर घर में शादी करा दोगे तो वहां उसे प्यार भी मिल जाएगा, ठीक है? एक चीज मिलती है, या तो प्यार या फिर अमीरी। बेकूफ औरत, बेशरम औरत, तुझे तेरा इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है, तू 6 महीने से तो छोड़ के भागी फिर दिया है, फिर भी तुझे वो आज भी तुझे एक्सेप्ट करने के तैयार है। तूने उसके परिवार के ऊपर इतने गंदे गंदे, इतने घटिया घटिया एलिगेशन लगा दिए जो शायद कोई अच्छे घर की लड़की या कोई इज्जतदार लड़की नहीं लगाएगी। तूने उसके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए कि उसके भाई ने मेरे साथ रेप किया, उसका भाई मेरे, वो अपने भाई के भाई से मेरे लिए बच्चा पैदा करवाना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। उसके बाप ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, उसकी माँ ने मेरे साथ बदतमीजी बोलती है। अरे तुम कितने घटिया लोग हो गए हो, ठीक है? जब तू अपने बच्चों की नहीं हुई है, जब बच्चे तूने अपने पेट से पैदा किए हैं तो उसकी नहीं हुई है, क्या अगले घर जाके तो किसी और की हो जाएगी? जो इज्जत तुझे परवीन के घर मिलती, क्या वो इज्जत तुझे किसी और के घर जाके मिल जाएगी? सब तुझे ये कहेंगे दूसरी, ठीक है? कोई पहली नहीं करेगा, दूसरी कहेगा। और इन बच्चों का शराब तुझे ऐसा लगेगा ना ज्योति, याद रखना, ठीक है? याद रखना, तुझे बच्चों का शराब ऐसा लगेगा ना, तुमने बच्चे पैदा करके फेंक दिए। बच्चे पैदा करके फेंकने की चीज होती है क्या? अरे उनसे पूछ जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परवीन से दिक्कत है, परवीन तुझे गलत बोलता है, कोई भी दिक्कत है, तो जब परवीन मीडिया वालों के सामने आता है तो तू मीडिया वालों के सामने आके क्यों नहीं बोलती कुछ भी? सारी दिक्कत बता दो मीडिया पर आकर, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई दिक्कत है ही नहीं। मीडिया पर जब आओगे ना, जब कोई दिक्कत होगी, जब कोई दिक्कत है ही नहीं। और रही कि 1 महीने बाद शादी कर देंगे, अरे क्या शादी कर देंगे, इसे शादी करना नहीं कहते। पर दूसरी शादी कर लेंगे, तेरे घर वाले करा देंगे, तू कर लेगी दूसरी शादी, है क्या? दूसरी शादी करेगी, क्या इज्जत होगी तेरे उस घर में जाकर? तूने सोचा है कभी क्या इज्जत होगी तेरी? क्या वो लोग ये वीडियो नहीं देखते होंगे? क्या वो लोग परवीन को नहीं जानते होंगे? क्या वे लोग परवीन की वीडियो नहीं देखी होगी? जब तू इन 2 बच्चों की नहीं हुई जिससे तूने भाग के कोर्ट मैरिज की अपने घर वालों के खिलाफ जाके, तू उसकी नहीं हुई तो तू क्या अगले घर जाके किसकी हो जाएगी? मतलब थोड़ी शर्म तो कर। वो लड़का 6 महीने से गिड़ रहा था, ये हालत होगी उसकी। तूने उसकी जीना खाना पीना सब हराम कर दिया,
ठीक है, एक बार उसे एक मौका देकर तो देखती, क्या पता वो क्या पता सही हो जाता वो, लेकिन उसको कोई ऐप है ही नहीं तो सही कहाँ से होगा। अरे ड्रिंक वाला ऐप है, ड्रिंक थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं, लेकिन जब वो कह रहा है कि मैं री ड्रिंक भी छोड़ दूंगा तो क्या इस चक्कर में घर पर कर देते हैं। अरे कितनी औरतें ऐसी हैं, कितने हस्बैंड ऐसे हैं जो रात को पी कराकर अपनी वाइफ के साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी वो वाइफ उन्हें छोड़ के भागती रही है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने बच्चों के लिए घर पर रहती हैं, कोशिश करती हैं कि उसका आदमी कल नहीं तो परसों सुधरेगा जरूर, कोशिश करते हैं कि उसका आदमी आज नहीं तो कल सुधरेगा, इन बच्चों को भविष्य के लिए घर पर जाती है, क्योंकि पति की जो होता है ना, कहते हैं ना जो कूड़ी का गोबर होता है ना, कूड़ी भी अच्छा लगता है, जो लड़की होती है ना ससुराल में अच्छी लगती है, मायके बैठ के अच्छी लगती है, अगर मायके लड़की को रखना होता, मायके घर बैठ के लड़की अच्छी लगती तो कोई अपनी लड़की की शादी नहीं करता, क्योंकि अपनी लड़की सबको प्यारी होती है। लेकिन मैंने बहुत सेहत ना, पूत का पूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं सकती, यहाँ साबित हो गया कि पूत का पूत तो हो सकता है लेकिन माता भी कुमाता हो सकती है, तेज ज्यादा कुमाता माता हो कोई नहीं हो सकती, जो अपने पेट से पले हुए बच्चों को छोड़ के दूसरे आशिक के साथ भागने से तैयार है। मतलब क्या समझे थे इस चीज को, कि तुझे सिर्फ नए नए खसम चाहिए। इन औरतों ने ऐसा हिल्ला बना लिया ना कि एक से पेट नहीं भरता दूसरा ले लो, दूसरे से पेट नहीं भरता तीसरा रख लो, बस मतलब नए नए बदलते रहो रोज। अरे क्या पता तुझे यहाँ चल परवीन गलत मिल गया, क्या पता अगले घर जाकर तुझे उससे भी गलत मिल जाए, फिर क्या करेगी, जिससे तेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम एक महीने के अंदर शादी करा देंगे, कैसे शादी हो जाएगी, अगर वो लड़का तलाक नहीं देगा तो शादी कैसे कर लेगी। पर हाँ, हमारी भारत सरकार ने तो लिविंग रिलेशनशिप चला रखा है, अरे उसमें तो कोई भी रह सकता है किसी के साथ भी, हमारी जो भारत सरकार है उसने तो हिंदुओं को भी मुसलमान बना दिया, मुसलमान तो कर सकते हैं दोनों साथी, यहाँ इन्होंने हिंदू को भी मुसलमान बना दिया कि अब मुसलमान भी हिंदू कर सकते हैं दोनों साथी, लिविंग रिलेशनशिप में रहो क्या दिक्कत है, लिविंग रिलेशनशिप गंदी चीज़ थोड़ना है, गलत बात थोड़ना होती है, पर ये देख तेरी इज्जत क्या हो गई पूरी दुनिया में, तूने अपनी जो इज्जत के जो ढोल बजवाए हैं ना पूरे में, यूपी हरियाणा में नहीं, यूपी हरियाणा पंजाब में नहीं, अदर कंट्रीज तक तेरे ढोल बजे हुए हैं। अच्छे से दुल्हन बन, दोबारा शादी कर, कोई बात नहीं, जो ऊपर वाला है ना उसकी लाठी की, उसकी लाठी की मार पड़ेगी ना, आवाज़ नहीं होने की लेकिन लाठी की मार ऐसी पड़ेगी कि याद रखेगी ज़िंदगी भर क्या होती है शादी, नई नई शादी के जो मजे लेने होते हैं ना तुम्हें चल जाएगा पता क्या होती है शादी। अरे अब भी थोड़ी बहुत शर्म हो तो अपने घर आ जा, अपने बच्चों को संभाल ले, तेरा पति गलत है, तेरा देवर गलत है, तेरे सास ससुर गलत है, तेरे बच्चे थोड़ा गलत हैं, उन बच्चों की खता है, उन बच्चों की गलती है, क्यों पैदा किए थे वे सिर्फ ऐसी सड़क पर फेंकने के लिए, तेरी सास को कैंसर है, कल को तेरी सास को कुछ हो गया तो उन बच्चों को कौन संभालेगा, क्या सड़क पर खड़े होकर भीख मांगेंगे वे। माँ बन सकती है, बाप और माँ दोनों, लेकिन बाप से कभी माँ नहीं बना जाने का, इस बात का ध्यान रखना, माँ तो पाल लेगी बच्चों को बाप बन के भी और माँ बन के भी, लेकिन जो बाप है ना वो माँ नहीं बन पाता कभी भी, वो जो लड़की को शिक्षा मिलती है ना वो अपनी माँ से ही मिलती है, तो क्या तुझे तेरी माँ से शिक्षा मिल रही है, यही सब मिल रहा है। बस आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस लड़की पे, बीच में मैंने सरवीन को सपोर्ट करना बंद कर दिया था सिर्फ इसके चक्कर में, चलो सही है सुधर जाएगी लेकिन ये नहीं सुधरेगी कभी भी, इसे तो भैया लालच है, इसे तो अच्छे घर में जाना है, बड़े घर में जाना है, इसे तो अमीर घर की बहू बनना है, चाहे वो प्यार ना करे, चाहे वो नौकरानी बना के रखे वहाँ, लेकिन जाना है अमीर घर में, तो भाई जा तू अमीर घर में जा, लेकिन जिस दिन भगवान जी की लाठी पड़ेगी ना उस दिन जरूर तेरी याद आएगी हम सब लोगों की बात की, हम सब लोग क्या कहते थे तुझे स्टार्टिंग से लेके आज तक, क्या कहा है कि बेटा मान जा अपने घर आ जा, लेकिन तुझे नहीं आना तेरी मर्जी। चलो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर आपको एक अच्छे से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे से और नए ब्लॉग के साथ, अगर चैनल पर नहीं आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। चलो भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अब कुछ घर का काम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट।